औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब में पुलिस ने चोरी की कई घटनाओं में शामिल आरोपी को हरियाणा से दबोचने में सफलता हासिल की है, जिसे आज अदालत में पेश किया गया है। इसके साथ ही चोरी की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सिरमौर पुलिस ने हाल ही में जहां नए सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए हैं, तो वहीं हरियाणा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हरियाणा से सटे कालाअंब क्षेत्र में नाकाबंदी और पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। जिले के एएसपी योगेश रोल्टा ने बताया कि चोरी की घटनाओं में शामिल आरोपी हीरा सिंह को हरियाणा के नारायणगढ़ में नेपाली कॉलोनी से दबोचा गया है। आरोपी ने कालाअंब क्षेत्र में भारी संख्या में मोबाइल और लैपटॉप चोरी किए थे। इसमें कालाअंब थाने में 8/24 एफआईआर रजिस्टर हुई थी, तो ये चोरी से संबंधित थी। तो कल कालाअंब पुलिस ने इसमें जो अक्यूज था, इसमें हीरा सिंह सन ऑफ ज्ञान बहादुर, उसको अरेस्ट कर दिया है। आज उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा और फर्दर पुलिस रिमांड लेके आगे की इन्वेस्टिगेशन की जाए। जिसको ये हीरा जो है, हीरा सिंह, ये नेपाली कॉलोनी है नारायणगढ़ के पास, वहाँ से इसको अरेस्ट किया गया है। और आज कोर्ट में पेश होने के बाद इससे जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इंटरोगेशन करेंगे और बाकी जो भी इसमें इंटरोगेशन में आता है तो उसको आपके साथ साझा किया जाएगा। देखिए, इंडस्ट्रियल एरिया होने के कारण, साथ में बॉर्डर एरिया होने के कारण, तो हमारे जो एग्जिट पॉइंट्स है काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पे चोरियों को रोकने के लिए खासकर हमने सीसीटीवी कैमरे भी लगाए हुए हैं और थाना को डायरेक्शन दी गई है कि टाइम टू टाइम जो है पेट्रोलिंग करें और जो भी सस्पेक्ट है उन पर नज़र रखें। तो हमारे एसएचओ और थाने की टीम जो है इवनिंग पेट्रोलिंग, नाइट पेट्रोलिंग करती रहती है और चोरियों के केस निश्चित तौर पर है बॉर्डर एरिया में, पर ऐसा नहीं है कि वो ट्रेस नहीं हो रही, हम उनको ट्रेस भी कर रहे हैं। पंजाब केसरी के लिए नाहन से दलीप सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज हिमाचल.com।